हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग मौर्य। मैं अपने यूट्यूब चैनल एचटेक कंप्यूटर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाते हैं। वैसे तो हम सभी लोग कोरल ड्रॉ फोटोशॉप एप्लीकेशन का यूज करते हैं आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए, लेकिन हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आखिर आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि हमारे वीडियो पर आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तथा इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तो सामने आए बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल लेते हैं और यहाँ पेज लेआउट पर जाने के पेज लेआउट पर जाते हैं और आइडेंटिटी कार्ड का साइज बनाते हैं। तो यहाँ पर साइज पर जाएंगे। साइज पर जाने के बाद सबसे नीचे पहुँच जाएंगे मोर पेपर साइज, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर विथ इसके रखेंगे, इसको मिटा देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और फिर नीचे कर देंगे 6 सेंटीमीटर, इसको कर देंगे 6 सेंटीमीटर, ऐसे 6 सेंटीमीटर कर दें। और फिर यहाँ पर हम जाएंगे मार्जिन, यानी पेपर का मार्जिन कैसा हो, यहाँ सब में कर देंगे हम। यहाँ पर जाएंगे 0 कर देंगे, अब नीचे इसमें चले जाएंगे, फिर इसमें 0 कर देंगे, लेफ्ट में भी 0 कर देंगे और राइट में भी 0 कर देंगे। ऐसे करने के बाद हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ कह रहा ये फिक्स है सब, तो यहाँ हम फिक्स करते रहें और यहाँ पर ओके कर देंगे, तो हमारा ये फिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड का साइज बन जाएगा। फिर हम इसमें चारों तरफ बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए हम डिजाइन पर जाएंगे, यहाँ पर डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो लिखा है पेज बॉर्डर, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर बॉक्स ऐसा चुनेंगे, इधर हमारा प्रीव्यू होता रहेगा, तो ये लगाएंगे बॉर्डर। और यहाँ पर मोटाई की दे देंगे 1.2, यहाँ इतनी मोटाई दे देंगे और यहाँ ऑप्शन क्लिक करेंगे, जहाँ सबसे नीचे लिखा है ऑप्शन यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 24 फीट लिखा है तो 0 करते रहेंगे, सब में हमको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब में 0 कर देना। 0 करने के बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे, इसको ओके कर देंगे और इसको भी हम ओके कर देंगे, तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड का साइज बन जाएगा। अब हम यहाँ पर इंसर्ट पर जाते हैं। इंसर्ट पर जाने के बाद शेप पर जाएंगे और यहाँ ये शेप उठा लेंगे और यहाँ पर इसको ड्रा करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद ऐसे ड्रा कर देंगे, ऐसे हम इसको ड्रा कर देंगे। अब शेप फिल, यानी कि जो हम शेप बनाए हैं इसका फिर कैसा होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, तो हमको मान लो ऐसा रखना है तो हम ऐसा कर दे। और इसके चारों तरफ बॉर्डर बना होता हो, शेप बॉर्डर, शेप आउटलाइन, यानी कि आउटलाइन हम कैसे करेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। यहाँ पर नो आउटलाइन कर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, लिखने के लिए यहाँ पर हम ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई टेस्ट क्लिक करेंगे। तो अब हमें इसमें लिखना है स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, STU स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, ITENTY स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, जैसे हमारा ये लिखा हुआ आइडेंटिटी कार्ड, तो ऐसे ही इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम ऐसे एक में सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम होम पर जाएंगे। अब इसके बाद हम होम पर जाएंगे और इसको बीच में करेंगे, जो शेप हमारा है बीच में शेप ऐसे कर देंगे, अलाइनमेंट चुनेंगे, अलाइनमेंट से हमारा सेंटर में हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम बोल्ड भी कर देंगे और यहाँ से साइज भी बड़ा कर लेंगे, तो यहाँ से साइज बड़ा कर लें। अब इसका हम कलर भी चेंज कर देंगे, यहाँ पर इस कलर चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर जाना हो, यहाँ पर जाने के बाद जो कलर आपको अच्छा लगे, हमें व्हाइट अच्छा लग रहा है तो व्हाइट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर फोटो लगाना है आइडेंटिटी कार्ड में, तो फोटो के लिए हम इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद हमें फिर एक शेप लेना होगा, जो हमारा फोटो जिसमें फोटो लगाना है, ऐसे शेप लेंगे
और यहाँ पर हम ड्रा कर देंगे, अच्छे ड्रा कर देंगे, यानी कि फोटो का शेप हमारा बन जाएगा। ऐसे हम ड्रा कर देंगे, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर शेप पर जाएंगे और यहाँ पिक्चर लिखा हुआ है, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ वर्क ऑफलाइन लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे। और यहाँ मान लो हमें यही फोटो लगाना है तो इसे क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे तो हमारा पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा इसमें। और हमें इसका बायोडाटा इधर लिखना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ इसके सबसे नीचे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, यानी कि हम अपनी मनपसंद से ड्रा कर लेंगे जहाँ पर हमें देखना होगा। मान लो हमें यहाँ देखना है तो यहाँ पर हम ड्रा करते, ड्रा कर लिए। वह हमें लिखना है नेम, लिखना क्या है नेम, जिसे आपको लिखना है, जैसे हमको लिखना है नेम, इस बंदे का नेम लिखना है, यानी ये इसको मिटा कर सही से लिखना है, यानी ये यमी नेम, थोड़ी स्पेस देना है, फिर लगाना है कॉलन शिफ्ट के साथ, फिर लिख देना है जो भी इस बंदे का नाम हो, जैसे हमने लिख दिया मुकेश कुमार, मुकेश और कुमार, KUMAR, मुकेश कुमार लिख दिया हमने। और नीचे लिखना है हमें इसके पिता का नाम, तो हम इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, फिर सना के राव, जिसको हम के राव बोलते हैं, यानी कि फादर नेम भी होगा के राव। ये करने के बाद हम ऐसे इस पे दबाते रहेंगे, फिर इसके सामने लाएंगे, फिर हम क्या करेंगे कालन दबाएंगे, कालन दबाने के बाद इसके पिता का नाम लिखेंगे जो भी नाम होगा, जैसे हम लिख रहे हैं अरविंद कुमार, अरविंद 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 कुमार, जैसे हम लिख रहे हैं अरविंद कुमार, इसके पिता का नाम क्या नाम है, अरविंद कुमार नाम है इसके पिता का नाम। अब फिर हम इंटर दबाएंगे, अब लिखेंगे इसकी DOB, इसे डी हो गया, ओ हो गया और बी हो गया, DOP हो गया, फिर इसके बाद दबाते रहेंगे, इसके सामने लाएंगे, फिर हम कालन दबा देंगे, ऐसे कालन दबा देंगे। मान लो इसकी DOB हम लिख रहे दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं DOP, ऐसे ऐसे हम DOP लिख देंगे इसकी। अब हम फिर इंटर दबाएंगे, अब लिखेंगे क्लास, क्लास की स्पेलिंग क्या होता है, CLASS, क्लास की स्पेलिंग ऐसे होती है, ये हम लिखते, फिर इतने थोड़ी देर दबाएंगे और फिर हम कॉलन लगा देंगे, कॉलन ऐसे लगाएंगे। क्लास मान लो 10th है इसकी, 10th TH यानी 10th, ऐसे करते हैं 10th। अब फिर लिखेंगे थोड़े इस पर देखेंगे, फिर लिखेंगे रोल नंबर, इसका रोल नंबर हम डाल देंगे कितना रोल नंबर है, स्टूडेंट आईडी कार्ड बना रहे हैं इसलिए हम रोल नंबर भी डाल देंगे, रोल नंबर इसका कितना होगा, मान लो हम कर दिए 05, इतना रोल नंबर हो गया। अब इंटर दबाया, हमने एड्रेस भी लिखना है तो इंटर दबा कर हम नीचे लिख के इसको हम लाइन स्पेसिंग करेंगे, इससे पहले हम कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो इस बात का जितना भी लिखा है सब चुन जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो लाइन स्पेसिंग करने के लिए हम होम पर जाएंगे और होम पर जाने से हम यहाँ लाइन स्पेसिंग पर जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये पास में आ जाएगा। और यहाँ से हम एंटर दबाएंगे, अब लिख देंगे इसका एड्रेस ADD एड्रेस हो जाएगा, फिर हम थोड़े स्पेस देंगे और फिर यहाँ कालन लगा देंगे, हम कालन लगा देंगे ऐसे और लिख कुछ भी लिख देंगे, सीधा सीधा हम लिखते हैं जैसे UTA सीधा, SITAPUR सेवता सीतापुर, यूपी भी लिख देंगे, यानी यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो हमें ऐसा आइडेंटिटी कार्ड बनाना है। अब हमें इसकी आउटलाइन जो हमें डाटा स्टोर बनाया है तो इसकी हमें आउटलाइन हटानी है, तो इसके लिए हम फॉर्मेट पर जाएंगे, फॉर्मेट टाइप हमारा यह है, यहाँ पर जाएंगे शेप आउटलाइन, यानी कि आउटलाइन हटानी है, तो यहाँ क्लिक करने के बाद नो आउटलाइन कर देंगे तो आउटलाइन हमारी हट जाएगी, लेकिन आपको दिखेगा। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इसको हल्का ऊपर दबा देंगे ऐसे, और हमें एक बॉक्स और बनाना है इसी तरीके से, इसी तरीके का, तो हमें जब इसी तरीके का बनाना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे ऐसे, इस पर ऐसे क्लिक कर दिए, मान लो हम यहाँ से इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट जाने के बाद हम सेव पर जाएंगे,
यहाँ क्लिक कर देंगे और ये सेव ले लेंगे। हमें इसी तरीका नीचे भी बनाना है, तो हम ऐसे यहाँ पर जाएंगे, ऐसे ऐसे बना देंगे, ऐसे जो हमारा बन जाएगा। अब इसका भी सेव हम फिल करेंगे कलर से, जिस जो कलर आपको अच्छा लगे, जैसे हमको अच्छा लग रहा तो ये लगा दी। भी इसकी आउटलाइन भी हमें गायब करनी है, तो यहाँ शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे। और हमें यहाँ पर लोगो लगाना है, संस्था का लोगो लगा देना है। तो लोगो हम जैसे जो आप लोग लोगो नहीं बना पाते हैं, तो हमारा पीछे वीडियो पड़ा हुआ है लोगो बनाने के लिए, देख सकते हैं कैसे लोगो बनता है हमारा। तो हम लोगो बनाने के लिए आए कि फोटो इंसर्ट करने के लिए, हम इंसर्ट ऐप पर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, और जहाँ आपका लोगो बना हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पर लोगो बना हुआ है, यहाँ पर इसको हम ऐसे करके इंसर्ट कर देंगे तो हमारा लोगो आ जाएगा। मान लो हमारा लोगो ये आ गया, ठीक। अब जब हम यहाँ पर जाएंगे, नीचे है तो ऊपर लाने के लिए यहाँ पर फॉन्ट साइज कर देंगे, इसे इसको छोटा करने के लिए, बहुत बड़ा है साइज में, तो इसको छोटा करने के लिए हम ऐसे क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, जैसे जितना बड़ा हमें रखना है उस हिसाब से हम अपना लोगो मैनेज कर लेंगे। और एरो की सहायता से इसको हम साइड में कर देंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कर देंगे, लेफ्ट साइड, टॉप और बॉटम चारों तरफ घुमा सकते हैं, जिस तरफ आपको घुमाना हो। अब हमें इंसर्ट पे फिर जाने के लिए, इंसर्ट पे फिर जाते हैं और सेव लेते हैं, सेव लेते हैं ये वाला, ये वाला सेफ लेने के बाद हम यहाँ पर ड्रा कर देंगे इसको, यानी कि हमें इसका नाम लिखना है। तो हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पर जाएंगे और ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब हमें इसका नाम क्या देना है, जैसे जिसका आइडेंटिटी कार्ड है उसका नाम हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे मुकेश कुमार। मुकेश कुमार का आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसको इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, और इसमें लिखने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, इस शेप में, इसमें हम लिखने के लिए इसे राइट क्लिक करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे, आई टेक्स्ट क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे मुकेश कुमार, मुकेश मुकेश कुमार, KUMAR कुमार, ऐसे मुकेश कुमार कर दी। अब इसकी जो हमारा जिस बॉक्स में लिखा हुआ है मुकेश कुमार, इस बॉक्स की हम आउटलाइन हटाएंगे, यहाँ से जाएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे, हट जाएगा। अभी इस फॉन्ट को हम जो मुकेश कुमार लिखा है ये चुनेंगे, ऐसे चुनेंगे और फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर देंगे। यहाँ पर होम पर जाएंगे और लैंग्वेज बार में जाएंगे, लैंग्वेज टूल बार में जैसा हमें लगानी हो, जैसे हमें लगानी है एजेंसी FB, ऐसे इस पर क्लिक कर देंगे, हमारी वही फॉन्ट अप्लाई हो जाएगी, लेकिन इसको थोड़ा हम ऊपर बढ़ा देंगे जिससे हमारा पूरा दिखे, ऐसे हम बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा नीचे भी बढ़ा देंगे जैसे हमारा पूरा नाम दिख जाए, ऐसे बढ़ा देंगे, हमारा पूरा नाम दिख रहा है ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, हमारा पूरा नाम दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम इस पे बार दबाते रहेंगे जैसे हमारा बीच में आ गया, बीच में आगे जाएगा। और हम एक बॉक्स और बनाएंगे, इंसर्ट जाएंगे और यहाँ सेव पर चले जाएंगे, फिर यहाँ पर चले जाएंगे, ये सेव ले लेंगे और यहाँ पर सेव बना देंगे, यहाँ पर सेव बना देंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे ए कंप्यूटर एकेडमी, इस पर ऐसे सेव आउट सेव फिल नो फिल कर देंगे, नो फिल कर देंगे और आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे, यहाँ पर नो आउटलाइन कर देंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐसे राइट, यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई टेस्ट लिखा, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिखेंगे जैसे यस TECH टेक और CUMPUTER कंप्यूटर लिखना है आपको, एकेडमी लिखना है, तो एकेडमी के लिए क्या होता है ACADEMY
एकेडमी आपका हो गया। अब आपको देखना है कि प्रोग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जो शिफ्ट दबाएंगे और लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम कहाँ जाएंगे, होम पर जाएंगे, होम पर ऐसे पहुँच जाएंगे होम पर। होम पर जाने के बाद हम इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे और यहाँ से बोल्ड भी कर देंगे, इसको ऐसे बोल्ड कर देंगे। मान लो हम बोल्ड नहीं कर रहे हैं तो अपने हिसाब से हम इसको माइनस करेंगे, छोटा करेंगे। ऐसे हम मैनेज करते रहेंगे, ऐसे इसको ऐसे हम मैनेज कर देंगे, इसको जितना छोटा करना है जितना बड़ा करना है। ऐसे मैनेज करने के बाद हम इसको इसको मैनेज कर लेंगे, इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देंगे जिससे हम आप पूरा दिख जाएगा। ठीक, कंप्यूटर अकेडमी हमें नहीं दिख रहा भी, तो इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे, ऐसे ऊपर बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा नीचे भी खींच लेंगे, तो हमारा एटेक कंप्यूटर अकेडमी पूरा आ जाएगा। अब फिर इसका एड्रेस लिखने के लिए फिर हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और फिर हम दूसरा सेव यहाँ बना लेंगे। ऐसे हम दूसरा सेव बना लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेवता सीतापुर। यहाँ पर सेव आउटलाइन क्या हो, नो फिल, सेव आउटलाइन नो फिल कर देंगे, और आउटलाइन क्या कर देंगे, नो फिल, नो आउटलाइन कर देंगे। इसे हमें इसमें लिखना है इस बॉक्स में, तो यहाँ पर हम माउस के राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐसे जाने के बाद ऐसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एड टेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेवता सीतापुर। जैसे आपको कहाँ लिखेगा, जैसे आप एक बार हाईलाइट कर लो उसको, तो हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। फिर हम इंसर्ट पर जाएंगे और दोबारा बना लेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे शेप पर जाएंगे और यहाँ पर ऐसे ड्रा कर देंगे, शेप ड्रा कर देंगे, ऐसे ऐसे हम ड्रा कर देंगे और इसमें लिखेंगे सेवता सीतापुर, जो सी यू टी ए सेवता, एस आई टी ए टी यू आर सेवता सीतापुर। आप लोग समझ रहे हो कि दिखता क्यों नहीं है, इसमें हमारा व्हाइट ही लगा हुआ है, जो कलर फॉन्ट कलर है तो हमारा व्हाइट ही लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिख रहा है। इसको जैसे हम इसकी जो हमारी शेप फिल है उसको हम नो फिल करेंगे तो हमारा दिखने लगेगा, नो फिल करेंगे जैसे हम यहाँ पर, तो हमारा ये दिखने लगेगा, इसे यहाँ पर ऐसे दिखने लगेगा हमारा। यहाँ पर हम ऐसे बढ़ा लेंगे इसको, इसे बढ़ाने के बाद हमें दिखने लगेगा सेवता सीतापुर। ऐसे हम आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं, इसको हम आउटलाइन भी गायब करेंगे। यहाँ पर कहाँ जाएंगे, इसमें पहले इसको सेलेक्ट करेंगे तभी हमारा फॉर्मेट टाइप बार आएगा, इसको इसे मतलब हम सेलेक्ट कर लिए। ठीक, यहाँ पर हम फॉर्मेट पर जाएंगे, फॉर्मेट पर जाने के बाद नो आउटलाइन कर देंगे तो हमारा वो आउटलाइन हट जाएगी, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ सीख मिली हो इस वीडियो के अंतर्गत, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।